हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर हमजा व्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हम लोग हैं मुंबई से 110 किलोमीटर दूर इगतपुरी में। जी हाँ गाइस, इगतपुरी रेनी सीजन में एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। और अभी हम लोग हैं इगतपुरी के भावली डैम के पास। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इगतपुरी है रेनी सीजन में यहाँ टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। मुंबई और पुणे और ये क्या नाम है नासिक, ये सब सिटी के लोग यहाँ पे रेनी सीजन में विजिट करते हैं। ऐसे तीन से चार जगह और है जो बारिश में मतलब वो टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, जैसे खंडाला हुआ, लोनावला हुआ, मालसेज घाट हुआ, इगतपुरी हुआ, ऐसे एक दो प्लेस और भी है। सो गाइस, इगतपुरी में वाटरफॉल भी होता है। तो ये आप रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता पकड़ के ना आप गाँव में जाओगे तो लेफ्ट साइड और रास्ता देखो, पहाड़ के ऊपर से जब जाओगे ना तो भंडार ढारा के लिए रास्ता जाता है। तो ऊपर 3 से 4 वाटरफॉल होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल रहते हैं। तो अभी आज तो सैटरडे है, तो आज ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये डैम को बंद किया, ऊपर बहुत ज़्यादा पानी है। तो पानी ज़्यादा होने की वजह से ना डैम को पूरा बंद कर दिया गया, वहाँ पे ना पूरा कांटा वगैरह लगा दिए, वो लकड़ी का कांटा आता है ना, वहाँ पे पूरा वो सब लगा दिए गए। तो इसके लिए यहाँ पे कोई आया नहीं, सब ऊपर वो क्या बोलते हैं वाटरफॉल के लिए गए। तो अभी हम लोग भी वहाँ चलते हैं और आज वहाँ का पूरा वाटरफॉल देखते हैं और वहाँ पे नहाएंगे और इन्जॉयमेंट भी करेंगे। मैं अपनी फैमिली वाले के साथ आया हूँ, तो हम लोग खाना वगैरह सब लेकर आए और आज हम बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप लोग भी आने का प्लान करते हो और आप लोग को ज़्यादा रश चाहिए तो आप लोग संडे को आओ। बाकी अगर अच्छे से इन्जॉयमेंट करना चाहते हो, ज़्यादा पब्लिक नहीं, एकदम सुकून से रहना चाहते हो, तो संडे छोड़ के आप कोई से भी दिन आ जाओ। सो गाइज, चलो चलते हैं और आज का हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग का सब वेट कर रहे हैं, चलते हैं वहाँ पे, हम लोग की कार खड़ी है आगे, तो अभी चलते हैं कार के पास। पानी देखो यहाँ का कितने फोर्स में गिर रहा है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? चलो भीड़ देखे आगे। सो गाइज, अभी हम लोग हैं इगतपुरी के फर्स्ट वाटरफॉल पे। आप देख सकते हो हमारे पीछे कितना मस्त वाटरफॉल गिर रहा है। तो गाइस, हमारा सेकंड वाटरफॉल हमारे सामने, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और ये भावली डैम का पूरा डैम। गाइस, अभी हम लोग आ गए अपने इगतपुरी के सेकंड वाटरफॉल पे और देख सकते हो हमारा सेकंड वाटरफॉल ये है। और वो बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ पे भी मतलब बहुत सारे लोग इधर से गए, बहुत लंबा ट्रैक करके जाना पड़ता है, उधर से पूरा ऐसे जाना पड़ता है उधर की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे नहीं नहाएंगे, हम लोग तीसरे वाटरफॉल पे नहाएंगे। तीसरा वाटरफॉल यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे है। तो अभी हम लोग चलते हैं कार के पास, कार बहुत आगे खड़ी की है, वहाँ पे ना ज़्यादा जगह नहीं है इसके लिए, कार उधर खड़ी है। देखो उधर पे वो इनोवा है ना खड़ी वाइट कलर की, वो है। बारिश देखो यहाँ कितनी ज़ोर हो रही है। और अभी हम लोग घाट के ऊपर है। ये चार चाय कर दो मौसी।
अभी हम लोग आ गए इगतपुरी के तीसरे वाटरफॉल पे, और इगतपुरी का जो तीसरा वाटरफॉल है वो आगे है। यहाँ पे भी अच्छा खासा क्राउड है, तो अभी चलते हैं हम अपने तीसरे वाटरफॉल पे और देखते हैं वाटरफॉल कैसा दिखता है। सो गाइस, आप ये जो हमारे सामने वाटरफॉल देख रहे हो, ये इगतपुरी का तीसरा वाटरफॉल है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे और आज हम वहाँ पे नहाने वाले पूरी फैमिली के साथ। यहाँ का सीन देखो कितना मस्त लग रहा है। इधर पे भी देखो एक छोटी सी ब्रिज है और इसके नीचे से पूरा वाटर पानी जो वाटरफॉल से गिरता है ना, ये ब्रिज के नीचे से जाता है और ये पूरा रिवर और ये पूरा जो भादसा डैम है ना, उसके अंदर पूरा पानी चला जाता है। सीन देखो यहाँ का कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। हाँ, तो गाइस जो हमारा तीसरा वाटरफॉल, अपने को पानी के बीच में से होकर जाना पड़ेगा, तो आप लोग अगर आओगे तो थोड़ा संभल कर आना, नहीं तो मेरे भाई वहाँ पे बहुत ख़राब गिरे थे। वहाँ से हम लोग उतर रहे थे ना तो नीचे गिर गए थे। देख रहे हो सब लोग कैसे जा रहे हैं, पूरा पानी है। देखो ये पानी से होकर वहाँ तक जाना पड़ेगा, बहुत ठंडा पानी है यहाँ का। तो आप लोग आना तो थोड़ा संभल कर आना ना। देख रहे हो अभी हम लोग पानी के अंदर खड़े, देखो यहाँ घुटने तक पानी है सब, और पानी बहुत ठंडा है अभी। देखो मैं इधर पानी घुटने के ऊपर पानी आ चुका है। सो गाइस, आप जो सामने बड़ा सा वाटरफॉल देख रहे हो, वहाँ तक जाने के लिए अपने को इसके बीच से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग जाओगे अंदर से तो वहाँ तक आप पहुँचोगे, और वहाँ पे जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ से पूरा पानी गिर रहा है और नीचे पत्थर सब सही नहीं है, बहुत बड़े बड़े नीचे पत्थर और बहुत नुकीले पत्थर है। तो आप लोग आओगे तो थोड़ा संभल कर आना, अभी इसके बीच में से अपने को होकर जाना पड़ेगा। आओ सब लोग। तो गाइस आप हमारे सामने देख सकते हो, ये हमारा इगतपुरी का तीसरा वाटरफॉल है। ये बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नहाने वाले हैं। देखो पानी कितना फोर्स में गिर रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे रॉक्स है, रॉक्स से होते हुए पूरा पानी जाता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो आगे की तरफ भी देखो बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग इगतपुरी के तीसरे वाटरफॉल पे ही, हमारा इगतपुरी का तीसरा वाटरफॉल। एक वाटरफॉल इसके आगे है, वो 8 किलोमीटर आगे बहुत दूर है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग नहाएंगे और खाना
खाना वगैरह नहाने के बाद खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे घर की तरफ और आज का हमारा टूर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कौन सा वाटरफॉल सबसे अच्छा था वो भी आप कमेंट में करके ज़रूर बताना। सो गाइस आज का हम अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखो, बाय।